दोस्तों कैसे हैं। आज 27 अप्रैल 2019 है, सैटरडे का दिन है और आप भी अपडेट लेके आया था रेन इंडस्ट्री एक बार अच्छा खासा अपसाइड दिखा है। वापस थोड़ा सा प्रॉपर्ट बुकिंग इसमें देखने को आ रहा है। बाइंग सेंटीमेंट 100% है, इस पर जरूर से जरूर ध्यान रखें। और ये एक बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है और ये अगर 340 का हाई बनाया हुआ तो ये यहाँ जाने का दम रखता है। वापस आपको अगर ये नीचे जाए तो जरूर अपने आपके पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए, जरूर से जरूर होना चाहिए। ये अच्छा चीज़ है, अच्छा स्क्रिप्ट है और बाइंग सेंटीमेंट बता ही रहा आपको क्या है इसमें। तो अभी आप देखेंगे इसमें तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज मूविंग देखेंगे तो थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है, हो सकता है कि थोड़ा आपको गिरावट इसमें देखने को मिले। और 122.48 की जगह 121.50 पे इसने क्लोजिंग भी दिया है तो यहाँ पर आपको चांसेस है कि यहाँ पर आपको ये नीचे की ओर जाता हुआ दिखे तो बहुत बड़ा सरप्राइज दी। रेन इंडस्ट्री पहले ही बता दी आपको यह क्या करता है। तो रेन इंडस्ट्री इज इंगेज्ड सेल ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग सेल सपोर्ट सर्विसेज इंडस्ट्री ग्रुप कंपनीज। ये रेन इंडस्ट्री मतलब जीपीसी वगैरह बनाता है, सीपीसी बनाता है, एल्युमिनियम का कारोबार करता है। आप मेरे पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं कि रेन इंडस्ट्री क्या करता है, रेन इंडस्ट्री का डिटेल दिया हुआ है आपको। और रेन इंडस्ट्री में देखेंगे तो आप 11% का ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है, इंटरेस्ट कवरेज जो 3% है, प्रमोटर होल्डिंग 41% है और ऑपरेटिंग मार्जिन 13% है। आप प्राइस टू कैश फ्लो सिर्फ 2.3 times में आपको मिल रहा है, 860 करोड़ का कैश रहता है। और उसके सामने आप सिर्फ देखेंगे जो इसकी वैल्यू आ रही है 4000 के आसपास मार्केट कैप आ रही है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है मार्केट कैप वैल्यू के हिसाब से देखें तो। एक अच्छा स्क्रिप्ट दिखता है मुझे और 1966 करोड़ का आपके पास इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो ये देखिए कंटिन्यूस सेल पर सेल बढ़ा जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में प्रेशर जरूर था इसका जो प्राइस एक्सपेंसेस के कारण जो कि मटेरियल का कॉस्ट वगैरह बढ़ा हुआ था। आप देखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट 60% है दिसंबर 2018 में, इससे पहले भी मैंने आपको बता अपडेट किया है। और अगर इसके कंसर्न देखेंगे तो द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर ग्रोथ ऑफ 3.6 ओवर 5 years, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इन डिस्कोर्स, स्टॉक इज ट्रेडिंग 1.88 बिलो 1 times ऑफ इट्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी स्ट्रेंथ है इसकी। अगर शेयर होल्डिंग परसेंटेज की बात करें तो आप देखेंगे म्यूचुअल फंड इसमें बाइंग पोजीशन बना रहे हैं, इसमें कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा गया है। अदर्स आईडीआई और ये दोनों अन्य इंस्टीट्यूशन इसमें बाइंग कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे देखें 41% दिसंबर मार्च 18 में था और अभी भी मार्च 18 जो कंटिन्यू उसको होल्ड कर रहे हैं, कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं रखा गया है। और 0.40 से 0.73 म्यूचुअल फंड होल्डिंग ने अपनी परसेंटेज को बढ़ाई है। यहाँ पे रिकमेंडेशन की बात करूँ तो कोई रिकमेंडेशन है नहीं। अगर रिटर्न की बात करूँ तो आप देखेंगे 1 month और 3 months में अच्छा है रिटर्न, 2 months में अच्छा, रिसेंटली अच्छा खासा फॉल हुआ इसलिए आपको रिटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको इसमें डिलीवरी टोटल डिलीवरी परसेंटेज देखूँ तो कहीं ना कहीं 1 crore जब आपको 12 अप्रैल को 1.17 crore का डिलीवरी हुआ था तो वहाँ से प्राइस आप देखेंगे 123 से सीधा 130 से 137 तक चला गया था, 141 तक गया था। और उसके बाद वहाँ से आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन फिर नीचे वहाँ दो दिन कंटिन्यू गया और यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज भी 23-26% था। उसके बाद आप देखेंगे नीचे तो वॉल्यूम में कम हो रहा, लास्ट डे जो वॉल्यूम हुआ 11,94,668 और डिलीवरी हुई 3,51,000 29 से 30% का। तो अब जो ये डिलीवरी हो रही है ये कहीं ना कहीं इसके लॉन्ग टर्म के लिए एक्विजिशन पर्पज से हो रही है। और अभी देखेंगे तो रिसेंटली इसको जो इस ट्रेड कर रहा है 121.50 और यहाँ से अगर डेली बेसिस पे इसको चार्ट देखें तो ये कहीं ना कहीं अपने 21 दिन या 50 दिन के डेमो को तोड़ता हुआ नीचे काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं 100 आपको देखेंगे नीचे तो 117 का लेवल है यहाँ पे, ये 117 का जो कि इसका 21 दिन का डेमो है। और अगर ये तोड़ता है तो फिर 112 का आता है जो कि इसके 50 दिन का डेमो है। तो ये दोनों एक डेमो है जहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकता, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले। रिसेंट थोड़ा सा वीक आएगा लेकिन आपको नीचे जब जाए तो आपको थोड़ा सा इसमें बाइंग पोजीशन करनी चाहिए, बाय रखनी चाहिए। इसमें कोई भी स्टॉप लॉस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इसका जो आप स्टॉप लॉस रखना है तो 88 का रखें, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बाइंग पोजीशन बनाएं 88 पे नीचे ये फॉल जाएगा क्योंकि यहाँ पे पैटर्न जो वीकली बेसिस पे बना है नीचे के फॉल की ओर बना है, वॉल्यूम के साथ इसमें सेल हो रहा है। यहाँ से आप देखेंगे स्पाइक लेते हुए ये सीधा 88.90 से सीधा जाकर के ऊपर 130-135 तक चला गया था रिजल्ट के बाद। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्क्रिप्ट है ये आपके पोर्टफोलियो में होगा और 3 से 6 महीना जब क्रॉस करेगा तो ये आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा देते हुए दिखाई देगा। और अगर ये आपको यहाँ से 160, 165, 195 और 200 की ओर जाते हुए दिखाए तो बहुत बड़ा सरप्राइज भी नहीं होगा।
मंथली बेसिस पे देखें तो अब ये अगर इस लेवल को यहाँ से क्रॉस करता है तो 21 दिन का डेमा इसका जो होगा 139 140 को अगर क्रॉस करेगा तो 166 की ओर जाते हुए आपको देखने को मिल सकता है यहाँ। और चाहें तो इसका स्टॉप लॉस 88 का जरूर लगा लें, 88 का स्टॉप लॉस लगेगा तो हो सकता है नीचे की ओर वापस ये 5160 की ओर जाए। लेकिन ऐसा अगर मंथली बेसिस पे भी देखें, मंथली बेसिस पे यहाँ दो ग्रीन कैंडल बन रही है, ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, हो चाहे नहीं हो यहीं से ये शेयर उठ के ऊपर गया हुआ है। आप देखेंगे 47 से 50 से ऊपर उठ के गया हुआ है, हो सकता है कि स्पाइक में एक बार ये नीचे चला जाए, आपको दिख जाए नीचे जाते हुए, बट ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। डेली बेसिस में मैं आरसीआई देखे तो 56% दिखा रहा, कोई इशू नहीं है। वीकली बेसिस पर आरसीआई देखे तो 46 दिख रहा है और मंथली बेसिस पे देखे तो 42 दिख रहा है। तो कहीं भी कोई ओवरसोल्ड या ओवरबाउट की पोजीशन भी नहीं बनी हुई है, मीन्स ये न्यूट्रल पोजीशन पे अपना डिलीवरी कर रहा है, काम कर रहा है। अगर इसको वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पर आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉल हुआ, यहाँ पे वापस एक फॉल का पैटर्न बनाया है, तो हो सकता है ये फॉल कंटिन्यू आपको रहे और नीचे 100 तक के लेवल को भी अगर टच करता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और इस फॉल को कंटिन्यू भी बना सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रेन इंडस्ट्री में देखने को मिल सकती है आपको। और अगर मंथली बेसिस पे दिखाएं तो मंथली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके ये अपर की ओर ऊपर की ओर जा रहा है। आप देखेंगे इसके पहले मंथ में यहाँ क्लोजिंग से यहाँ पे दिया और अब जो क्लोजिंग दिया इसके ऊपर दिया और अभी अब करंट सेशन में चलता रहेगा। तो इसको पैसा नहीं, अगर आपको 10,000 लगाना है तो 2,000 3,000 20% आप जरूर लगा लीजिए अभी, फिर धीरे धीरे 20% करके लगाते रहिएगा। तो 20 से 25% अपने अगर इन्वेस्टमेंट इसमें, अगर एक स्क्रिप्ट में आप 20,000 लगाते हैं तो एक स्क्रिप्ट का 20% आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20 से 25%। एक अच्छा स्क्रिप्ट है, नीचे में आपको बाइंग पोजीशन रहनी चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए आप सोच रहे हैं तो यहाँ पे 88 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और उससे भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो भी रिस्की है हमारे लिए, एकदम शॉर्ट चाहिए, तो आप इसी में 120 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 120 का स्टॉप लॉस इसमें बने रहिए। अगर ये नीचे तोड़ता है तो नीचे की ओर जाने की गुंजाइश है, या इसका स्टॉप लॉस ले लीजिए आप 110 का, ये जो लोअर पे क्लोजिंग हुआ था 110 पे, तो 110 का स्टॉप लॉस इसमें रेन इंडस्ट्री में चाहे तो आप बने रह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर वो अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे 96 के आसपास तो उनको बाई करना अपने पोर्टफोलियो में, 96 के आसपास बाई करें और वापस ये 130 120 जो दिखा रहा है ये यहाँ पे जाएगा। तो अभी जो इसका रेंज दिख रहा है 90 to 120 to 125 की ओर जा रहा है, हो सकता है ये कुछ दिन तक आपको रेंज बाउंड में देखे तो कोई इशू नहीं है, 90 से 120 का रेंज में हो सकता है रेन इंडस्ट्री कुछ दिन तक आपको देखने को मिल सकता है। रेन इंडस्ट्री मेरा कोई भी आपको डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट एक अच्छा स्क्रिप्ट है और इसमें आपको अगर बाइंग पोजिशन रहेगी तो आपको अच्छा लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे सकता है, इसके बाइंग सेंटीमेंट से भी ऐसा प्रतीत होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।